वाह कितनी प्यारी सुर्खी दी है अखबार ने। सेठ फाजिल बा आवाज बुलंद अखबार पढ़ने लगा। दफ्तर से घर जाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर की कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग, जिसके नतीजे में इंस्पेक्टर मौके पर हलाक। तफसीलात के मुताबिक मशहूर पुलिस इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन रात गए थाने से घर जा रहा था। चौक पर जब वो सुरपति पर रुका तो नामालूम अफराद की जानिब से चलाई गई गोलियों की वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजरमों की तादाद 2 थी और वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। इंस्पेक्टर साहब पर पिस्तौल से 3 गोलियां चलाई गई, जिनमें 2 गोलियां उन्हें कंधे पर लगी और तीसरी सर में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत सर में लगने वाली गोली से हुई। पुलिस राय ने एक फर्जशनास, ईमानदार और मुहिब वतन इंस्पेक्टर के कत्ल पर गहरे गम गुस्से का इजहार किया है। डीआईजी पुलिस ने जल्द अज जल्द उसके कातलों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। बड़ी बात है भाई, अब तो हमें डरना चाहिए। डीआईजी पुलिस तो बहुत बड़ी बला होती है। फाजिल खान ने अखबार लपेट कर सामने पड़ी टेबल पर रख दिया। उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाजा खुला है। शेर खान अस्सलामु अलैकुम सेठ साहब कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम, आओ भाई शेर खान। फाजिल खान उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। शेर खान की जिंदगी में पहली दफा ये हो रहा था कि फाजिल खान ने उसके सलाम का जवाब दिया था और उसके इस्तकबाल के लिए भी खड़ा हुआ था। शेर खान मुसर्रत से लड़ते हुए बोला, पप प्लीज सेठ साहब गुनहगार ना करें, मैं तो आपका एक अदना सा गुलाम हूँ। शेरे भूल जा पुरानी बातों को, तूने सही मैनों में हमारे दस्तेरास्त होने का हक अदा किया है। अब हम तुझे उस मकाम पर पहुंचाएंगे जिसका तूने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सेठ साहब, पहले भी आपकी नवाजिशें गुलाम पे कुछ कम नहीं थीं। उसके लहजे में खुशामद का अंसर नुमाया था। अच्छा बैठो और हमें पूरी तफसील बताओ। फाजिल खान की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। जवाबन शेर खान उसे तफसील से अपने कारनामे के मुतालिक बताने लगा। दरमियान में कई जगह फाजिल खान की आवाज उसे दाद देने के लिए बुलंद हुई और जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, फाजिल खान ने उठकर उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश शेर खान, हम तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं और इस खुशी में नई लैंड क्रूजर तुम्हारी हुई। बहुत शुक्रिया सेठ साहब, शेर खान खुशी से लरजता हुआ बोला। ये तो कुछ भी नहीं है शेरू, आगे देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। सेठ साहब, सुना है कि इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन का काम भी तमाम हो गया है। ये तो होना था शेरे, उसने ललकारा किसे था, धमकी किसे दी थी सेठ फाजिल अली खान को, और ऐसे बंदे ज्यादा अरसा जमीन पर नहीं चल सकते। किसी को हम पर शक तो नहीं हुआ सेठ साहब, हम पे कोई कैसे शक कर सकता है। सबका ध्यान NON की तरफ जाएगा, वो पुलिस वाजे तौर पर किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये यकीनी बात है कि उन्हें 100% NON पर शक है। सेठ साहब, क्यों ना हम किसी अखबार रिपोर्टर को कहकर ये कहानी बतौर फीचर शाया करा दें और NON और AMP की दुश्मनी को हवा देने की कोशिश करें। ये हो चुका है शेरे, शाम का अखबार देखना कैसे मिर्च मिसाले से भरा होता है। अब मेरे लिए क्या होगा मैं सेठ साहब, फिलहाल आराम करो और अजब खान को भी 2 दिन आराम करने दो, उसे 15-20 हज़ार इनाम भी दे देना। ठीक है सेठ साहब, उसने मोदमाना अंदाज में सेठ को सलाम कहा और बाहर निकल गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।